हमारा पैगाम अगर हम देना भी चाहेंगे तो सिर्फ यही है कि आप ग्रो होएं, साथ साथ दूसरों को भी अपने साथ ग्रो करें। ये नहीं कि आप ग्रो करें, मोटिवेट करें। डीमोटिवेट करने वाले लाख मिल जाएंगे मगर मोटिवेट करने वाला एक भी नहीं मिलता। तो हमारा सिर्फ एक ही मोटिवेशन है या हमारा एक ही स्लोगन है, वी मोटिवेट एंड ओनली मोटिवेट। यू थिंक वी क्रिएट, दैट्स आर लोगो जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आज पार्क सर्कस के होटल इवेरी इन में फेरी इन्वेंटर्स की जानिब से एग्जीबिशन कम सेल फैशन ईस्ट फिश के रुए रवा तसही टक्कर और अभिषा खान की जानिब से की गई इस एग्जीबिशन कम सेल में कुल 35 स्टॉल लगाए गए, जहां पर तरह तरह के स्टॉल देखने को मिला। आइए सुनते हैं चीफ गेस्ट इस प्रोग्राम के रुए रवा और दीगर शॉप के मालिकों की बातें। जी, मेरा नाम अभिषा है और मेरा ये ब्रांड है ग्लैमअप। ये पिछले 4 साल से है, 2018 से, और इसमें बेसिकली गिफ्ट आइटम्स है और स्टेशनरी प्रोडक्ट्स है बच्चों का। और हम लोग एग्जीबिशंस भी 4 साल से कर रहे हैं और अभी ऑर्गेनाइज अभी लास्ट ईयर से स्टार्ट किया है करना। सबसे कम प्राइस में क्या, कहाँ से स्टार्टिंग? सबसे कम प्राइस में हम लोग का स्लाइम बॉल्स है बच्चों के लिए, उसके बाद क्लिप्स है, हेयर एक्सेसरीज है, लैम्प्स है, होम डेकोर आइटम्स है, और अगर थोड़ा बजट हाई हो तो फिर सिपर्स है और सॉफ्ट टॉयज है। आप लोगों की कंपनी की बुनियाद कब हुई? 2018। तो आप अपनी कंपनी के तालुक से बताएं कि इसको जो आप लोगों ने इन्वेंट किया, इसका मकसद क्या? इसका मकसद सिर्फ ग्रोथ है, क्योंकि इसने बहुत उम्मीद से स्टार्ट किया था और इसको कुछ करना था, क्योंकि इसका बिजनेस माइंड है, इसका वर्क माइंड नहीं है, इसका बिजनेस माइंड है। तो इसका यही था कि इसको बिजनेस करना है, और एक बिजनेस में आने के बाद फिर उसको दूसरा बिजनेस का आइडिया आया, फिर दूसरे से अभी उसको तीसरा आ रहा। तो इसका इसके माइंड में सिर्फ ग्रोथ है। शी इज़ वेरी स्मॉल एट द एज एंड माशाल्लाह शी इज़ डन 2 एग्जीबिशंस। शी इज़ मैनेजिंग हर बिजनेस 2018 से, और वो बहुत बहुत अच्छा करती है। माशाल्लाह आपका जो वो बिजनेस माइंड है बहुत ही अच्छा है। तो आप और भी अदर्स लड़कियों को और औरतों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारा पैगाम अगर हम देना भी चाहेंगे तो सिर्फ यही है कि आप ग्रो होएं, साथ साथ दूसरों को भी अपने साथ ग्रो करें। ये नहीं कि आप ग्रो करें, मोटिवेट करें। डीमोटिवेट करने वाले लाख मिल जाएंगे मगर मोटिवेट करने वाला एक भी नहीं मिलता। तो हमारा सिर्फ एक ही मोटिवेशन है या हमारा एक ही स्लोगन है, वी मोटिवेट एंड ओनली मोटिवेट। यू थिंक वी क्रिएट, दैट्स आर लोगो जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में बहुत से एनजीओ हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, उनको इस मैदान में आना चाहिए? जो हमारे पास ऑलरेडी एनजीओ की एक बंदी है, अरहम फाउंडेशन की निशा, वो एनजीओ से आई हैं और वो हमारे साथ ये पहला एग्जीबिशन कर रही हैं, और वो बहुत खुश हैं जिस तरह से उनको जगह मिला है, सेटअप और सब कुछ। और जहाँ तक एनजीओ है, हाँ, हम एनजीओ के साथ बहुत काम करते हैं। हमारे एनजीओ वर्कर्स, सोशल एक्टिविस्ट हमारे चीफ गेस्ट भी थे, हम भी उनके साथ बहुत जगह काम करते हैं, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम उनका साथ देते हैं। जी, आज तकरीबन कितने स्टॉल्स हैं यहाँ पे? तकरीबन 35 स्टॉल्स हैं, और यहाँ पे 10 रुपये से शुरू हो करके आप बोलें तो 500 से 1000 हम लोगों ने एवरी रेंज का है, एवरी रेंज। यहाँ पे 5000 से लेकर 10000 का भी कपड़ा है, यहाँ से 300 से लेकर के 350 का कपड़ा है, 400 का कपड़ा है, हर रेंज में आपको कपड़ा मिल जाएगा। और बहुत सारी वैरायटीज भी है, हर चीज़ में बहुत वैरायटीज है। यहाँ पे ओरिजिनल पाकिस्तानी सूट्स है जो बिल्कुल ओरिजिनल है, रेप्लिकाज नहीं, और बहुत रीजनेबल ज्वेलरी है। यहाँ पे परफ्यूम्स बहुत रीजनेबल है, यहाँ पे फ्री मेहंदी है, फ्री नेल आर्ट है, यहाँ पे हिजाब्स को ऑर्डर है जिनके हिजाब्स बहुत प्रिटी प्रिटी हैं। आप अगर एक राउंड लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे सब कुछ बहुत डिफरेंट वैरायटी है। हमारे पास बुटीक्स है 3-4, हमारे पास यशरा हैं जो मेकअप प्रोडक्ट्स रखती हैं, और वो शायद सेकेंड एग्जीबिशन किया है पार्क सर्कस के बाद, हम लोग इसमें पहली बार। जितने हैं सब वेस्ट बंगाल के हैं? सब वेस्ट बंगाल के। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम इससे भी बड़ा करें और हम आउट ऑफ वेस्ट बंगाल से लाएँ। उसके बाद जो फ्यूचर में आप लोगों का क्या प्लान है? फ्यूचर में अभी इससे बड़ा करने और ग्रैंड करने, और इंशाल्लाह हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं, और हम लोग बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे। हम लोग को एग्जीबिशन करना है मगर हम लोग को ग्रैंड से ग्रैंडर जाना है। आखिर में ख्वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम हम
क्या दे सकते हैं, हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। आप भी एक खातिन है बहसीत, और आप जो है मोटिवेट कर सकती हैं, क्योंकि आपने जो है बहुत ही अच्छा बिजनेस गोल है आपका, और इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेगा, तो आप जो है पैगाम दीजिए हमारे व्यूअर्स को। हमारा सिर्फ एक ही पैगाम होगा, जैसे हम दूसरों को चांस दे रहे हैं, अगर वो दूसरे तीसरे को चांस देंगे तो ये चीज़ बढ़ता रहेगा और ये मोटिवेशन चलता रहेगा। अगर हम आज किसी को फ्री में भी मेकओवर का चांस दिए हैं, तो क्योंकि हमको सिर्फ दिखाना था कि वो कितना अच्छा काम, हम लोग फ्री टेबल्स करने के लिए प्रोवाइड किए हैं, हम लोग मेकअप का इसलिए दिए थे ताकि वो दिखा पाए कि उनका मेकअप कितना अच्छा है, कि उनको इनकरेजमेंट मिले, सो दैट वो आगे भी अपना एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें। इसलिए हम लोग उनको मोटिवेट किए कि आप ट्राई करिए फर्स्ट टाइम, और आपका मतलब और देखिए बहुत खुश है कि उनको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, उनको 3-4 क्लाइंट्स भी यहाँ से मिल गए हैं। तो इसी तरीके से हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं, अगर हम लोग हर जगह पैसा ही देखेंगे तो नहीं होता है, कहीं पे अगर मोटिवेट करने के लिए अपना भी लॉस करना पड़े तो हम लोग बहुत किए हैं जस्ट टू मेक आवर एग्जीबिशन अ हिट। अपने चैनल से हम लोग आप सबों को मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बताएं आज के प्रोग्राम का ताल्लुक। बहुत अच्छा इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे एग्जीबिशन में गए हैं, बट इन लोगों का ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा हुआ, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, थैंक यू। क्या एडवाइस देना चाहेंगे आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में इसी को कंटिन्यू करें, अच्छा है। वेलकम। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन। हाय, मैं प्रियंका चौधरी हूँ, मैं मिसेस यूनिका हूँ, आई एम इवन अ फैशन डिजाइनर एंड एस्पायरिंग मॉडल, आई एम ओनिंग अ सोफिया फैशन ब्रांड ऑफ माइन, और मैं यहाँ एज एन चीफ गेस्ट हूँ। आज ताशी ने मुझे इनवाइट किया है एंड शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ एज एन चीफ गेस्ट उनके साथ। आज के प्रोग्राम का तालुक क्या है? आज यहाँ पे बहुत लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा स्टॉल लगाया है, ऑल हाउस वाइफ्स, ऑल वर्किंग, दे आर नॉट वर्किंग बट स्टिल दे आर वर्किंग लेडीज आई शुड से, क्योंकि वो सारे बहुत अच्छे से अपने आप को अपने कामों को संभाल रहे हैं, एंड आई रियली इनकरेज देम कि वो ऐसे ही काम करते रहें और अपना नाम कमाते रहें। ये पैगाम देना चाहूँगी कि कोई भी घर बैठे बैठे भी काम कर सकता है, क्योंकि हम जब एग्जीबिशंस करते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स बनते हैं हमारे, और इसके थ्रू वी वर्क, और टिल दैट टाइम मतलब हम अच्छा काम करते हैं सभी को। एक मैं खुद एग्जीबिशंस करती हूँ एंड आई फील एग्जीबिशंस करना बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे हमें अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं और हमें मौका मिलता है कि हम अपनी चीज़ों को लोगों के सामने दिखाएँ। दैट्स इट। कैसर है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, 2019 से मैंने स्टार्ट किया है, और मेरा इंस्टा हैंडल है लव योर सेल्फ बाई जैनब, और फेसबुक पेज भी वही नाम का है, लव योर सेल्फ बाई जैनब। मैंने आज ये लुक क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं, स्मोकी आई किया है मैंने। मैं स्पेशली आई मेकअप के लिए जाने जाती हूँ, मैं आई मेकअप में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं वही करती हूँ ज़्यादातर। और वैसे तो मैंने रिसेंटली अभी लोपा मुंद्रा मिस कोलकाता जो थी उनका मैंने किया है, और भी सारे क्लाइंट्स के फ़ोटोज़ मेरे इंस्टा हैंडल पे है। यहाँ तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई है, और मैं बहुत ग्लैड हूँ कि मुझे ताशी ने बुलाया है, आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, थैंक यू। जो स्टॉल लगाया है अपने प्रोडक्ट के बारे में हमें बताइए। मेरा प्रोडक्ट स्टॉल नहीं है, मेरा मेकअप का है, मैं मेकअप आपको दिखा दे रही हूँ, ये आप देख लीजिए, ये मैंने लाइव यहाँ पर डेमो दिया था, ये लाइव मेकअप का डेमोस्ट्रेशन था कि कैसे क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी उन्होंने सिखाया है, और उन्होंने ये अपना बताया है कि वो कैसा मेकअप करती हैं, वो फ्लॉलेस, इनका बहुत साइडलाइन मेकअप रहता है, वो बहुत ओवर नहीं करती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इनका बहुत लिमिटेड मेकअप रहता है, एंड स्किन में पता चलता है कि हाँ है। आई लव अ मेकअप, सो आई गिव दिस चांस टू हर बिकॉज आई वॉन्टेड पीपल कि वो जाने कि इसका मेकअप कैसा है, और उसको मोर ऑफ मोर बुकिंग्स मिले, कि हमको चाहिए था कि मेरे तरफ से अगर एक मोटिवेशन इसको मिलता है और एक भी क्लाइंट मिलता है, आई बी वेरी हैप्पी। Teach and all that. Yeah, I do teach. I do give courses, teaching, and I do have party makeup at home service, bridal also. I do with party makeup with hairstyle. And it's all in reasonable price, so you can just book her as much as possible. सबसे पहले अपना तारुफ। मेरा नाम राबिया हसन है, और मैं लेमन मेलन ब्रांड ओनर हूँ, एंड मैं ज़्यादातर पाकिस्तानी सूट्स पे डील करती हूँ। सिंस 12 इयर्स मैं इस लाइन पे हूँ,
और अल्हम्दुलिल्लाह आगे अब एग्जीबिशन स्टार्ट किए हैं, तो ये भी आगे करने की चाहत है कि और क्लाइंट्स बने और काफ़ी लोग मुझसे जुड़े। अब तक आप लोगों ने कितने एग्जीबिशन अटेंड किया है? मैंने जब एग्जीबिशन लगते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वक्त निकाल के जा पाऊँ वहाँ पे और नए नए लोगों को मिल पाऊँ, नई नई चीज़ें देख पाऊँ और उससे एक्सपीरियंस भी होता है काफ़ी। सो अभी फ़िलहाल ऐसा है कि अब खुद इस लाइन पे आई हूँ तो जो कस्टमर्स भी मेरे हैं काफ़ी पुराने हैं तो वो भी मेरे पास आते हैं और वो लोग को पसंद भी आते हैं कलेक्शंस, तो इस चीज़ का नॉलेज है काफ़ी। यहाँ पर आज कैसा लगा? ताशी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है और पूरी इसकी मेहनत भी है, तो इसके इनकरेजमेंट से मुझे बहुत एक इनकरेजमेंट मिला है, तो इसलिए आज ये एक माहौल बहुत अच्छा है, कस्टमर्स भी बहुत अच्छे हैं, सारे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, देख रहे हैं, सो एक्सपीरियंस अच्छा है ऑल ओवर। अपने प्रोडक्ट्स के बारे में भी हमें बताएं क्या-क्या? मेरे पास सारे ब्रांड के रहते हैं, लॉन्स रहते हैं, जैसे बिन सईद है, आगा नूर है, मैं ईद के ऑर्डर्स स्पेशली मंगवाती हूँ वहाँ से, तो बेसिकली ये सारे ब्रांड के कलेक्शन, ये तवक्कल ब्रांड है, शिफॉन्स पे है, ये सब यूजुअली आपको यहाँ जल्दी मिलता नहीं है, ये सारे हम ऑर्डर्स पे ही मंगवाते हैं, जैसे ईद हुआ कुछ स्पेशल ओकेजन के लिए क्लाइंट्स बोल के मंगवाते हैं, बट क्योंकि एग्जीबिशन का माहौल था तो हम लोगों ने, मैंने इसको स्टॉक करके रखा हुआ था कि मैं इसको डिस्प्ले कर सकूँ। तो हमारे पास ये लॉन में ही स्टिच्ड बिन सईद के पीसेज हैं, वेरी रीजनेबल प्राइस, ओरिजिनल पाकिस्तानी है, ये नहीं कि ये रेप्लिका आपको मिलेंगे, ये ओरिजिनल पाकिस्तानी में डील करती हैं और इनके पीसेज जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं, हम लोग जो भी पहनते हैं मैं यहीं का पहनती हूँ। सबसे पहले अपना तारुफ। माय नेम इज़ नफीसा और हम लोग का ऑनलाइन बिजनेस है, देन घर से भी हम लोग सेल करते हैं और जगह जगह पे जहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो हम लोग ऑर्गेनाइज भी कर, मतलब एग्जीबिटर के तौर पे हम लोग लगाते भी हैं एग्जीबिशन। अब तक कितने जगहों पे शामिल हो? इससे पहले मिलन उत्सव में जब लगी थी पाक सर्कस मैदान में, मिलन उत्सव के बाद अलीशा शियाना, देन यहाँ पे, मतलब इस मंथ में ये थर्ड एग्जीबिशन है हम लोगों का। हम लोग भी पहले, मतलब मायूस नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग जिस तरह से एग्जीबिशन लगा रहे हैं या एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है हम लोगों की ज़िंदगी में मुस्तकबिल में आगे बढ़ने के लिए, तो इसी तरह उन लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए, थोड़े थोड़े से ही आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, होपफुली बाकी अल्लाह मालिक सब चीज़ों के लिए है। थैंक यू। अलम फाउंडेशन के बाद अलम फाउंडेशन का भी ले लीजिए। नहीं हमको कुछ बोलना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशा है और मैं अरहम फाउंडेशन की जानिब से ये स्टॉल, मतलब उनके, मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, उनके यूनिट मेंबर हूँ और मैं जहाँ भी लगाती हूँ तो अरहम फाउंडेशन की जानिब से लगाती हूँ, क्योंकि एनजीओ के थ्रू हमने कुछ काम कर रहे हैं और अरहम को आगे ले जाना चाहते, मेरा इससे जो भी बेनिफिट होता है तो हम लोग उससे कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि आगे से आगे बहुत सारे लोगों का हेल्प करने की कोशिश करते हैं और मतलब के है, मतलब इस वजह से हम लोग लगाते हैं स्टॉल जगह जगह पे और जहाँ जहाँ पे लगेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने एनजीओ को आगे बढ़ाने के लिए हम हर जगह स्टॉल लगाएं। जी अच्छा एक्सपीरियंस है, 2-3 एग्जीबिशन में लगाए हुए हम, अच्छा रिस्पांस रहता है और हमारा शॉप भी है एलियट रोड में और मेरा ज़्यादातर ब्रांडेड परफ्यूम का बर्बेरी एक्वा हुआ, यजमल ब्रांड का हुआ, ये सब बना के उससे ही बना के ज़्यादातर सेल करते हैं। यजमल का है, ये दुबई का ब्रांड है, बाकी ऊद वगैरह मेरे पास सब है ऊद, तो जैसा आपको चाहिए होगा ज़रूर आइए इंशाल्लाह मिलेगा। सबसे पहले अपना एड्रेस। हाय दिस इज़ फीफीज़ बेकरी हियर, एक्चुअली आई एम नॉट द वन, शी इज़ द वन, शी इज़ आउट फॉर सम ऑफ एमरजेंसी वर्क। सो ये फीफीज़ बेकरी है, सारा होम मेड चॉकलेट्स होता है एंड सर एवरीथिंग इज़ होम मेड, वी प्रोवाइड जैकेट्स, वी प्रोवाइड मिक्स ओरियो मूव्स है हमारे पास पिनाटा हार्ट्स है, केक सिकल्स है, वी ऑल्सो प्रोवाइड चॉको बॉम्स एंड केक्स, केक पॉप्स है हमारे पास, वो सब कुछ है, सब कुछ होम मेड है, एवरी थिंग द पैकेजिंग एंड ऑल एवरी थिंग सब कुछ होम मेड है, सब कुछ डिज़ाइन किया हुआ है खुद से। जी मेरा नाम फरजाना रहमान है, फिर इंस्टा आईडी है मेहंदी बाई फर्जू, ये मेरा स्पेशल कोन है, ये ब्राइडल कोन है और ये मेरा नेल कोन है, ये नेल कोन है, ये स्पेशल कोन है और ये ब्राइडल कोन है, ये आपका 4 मंथ स्टेन रहता है नेल कोन का, ये आपका 8 to 10 days स्टेन रहेगा हैंड में, आपको इसको 3 दिन 3 दिन लगाना है आपको कंटिन्यू, और ये आपको लगाइएगा, पानी यूज़ नहीं करना है इसको, आप एक दिन बिना पानी यूज़ किए रहना है इसको, ये आपका स्टेन बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा मिलता है इसका स्टेन आपको।
सबसे पहले अपना तारीफ। मेरा नाम आफिर रहमान है और मैं एक होम बेकर हूँ। मेरे पास वैरायटीज़ है आपका चॉकलेट केक और डिफरेंट फ्लेवर्स का। ऑल्सो मैं अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग में एग्जीबिशन के लिए मैंने अपने चॉकलेट कस्टमाइज़ किया है। ये आप देख रहे हैं, ये तीन तरह का चॉकलेट्स है। वेराज ये नॉर्मल चॉकलेट है, ये डार्क चॉकलेट है और ये फिल्ड केक फिल्ड चॉकलेट है। एंड दिस इज़ वेरी पॉपुलर, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। एंड अभी बिकॉज कल वैलेंटाइंस है एंड बहुत सारे पीपल है जो लाइक दे गिफ्ट देयर वाइफ और समबडी, तो वो ज़रूर आके ये ट्राई करें। मेरे पास हर तरह का है, लाइक मैंने बहुत मेंटेन किया है कि मैंने सबके पॉकेट फ्रेंडली बजट पे रखूं। ये मेरा नाम अनिशा खातून है और ये स्टॉल मेरा है। मेरा किचन का नाम ही है मम्मीज़ किचन। सब कुछ प्योर फ्रेश और होममेड, और हम ऑर्डर्स प्री ऑर्डर सारा लेते हैं। एवरीथिंग, बिरयानी है, मुगलाई, सारे मुगलाई डिशेस हैं, चाइनीज़ है, एवरीथिंग। जी दिस इज़ माई सेकेंड एग्जीबिशन। या मेरा नाम मुबशरा साजिदीन शेख है। आपका क्या नाम है? अच्छा, मेरे शॉप का नाम है छोटे नवाब। और क्या क्या है? ये फास्ट फूड एंड फालूदा काउंटर है। यहाँ पे बर्गर है, सैंडविच है, चिकन टिक्का सैंडविच, वेज चीज़ सैंडविच, आपका कांटी कबाब, चिकन कबाब, सीख कबाब, वेज बोले थे कि जो औरतें अनएडुकेटेड हैं उनको कुछ काम दे सकें, तो ये मेन है। ये पूरे लड़कियों के अंडर में होता है। मेरे यहाँ जो काम करते हैं वो सब लेडी हैं। मेरा नाम देवी सपानी है। और आपका क्या नाम है? मेरे नाम का देवी रसोई है। क्या है सामान? ये सब केक्स है, ये डोनट्स है, केक बॉल्स है, सारे होममेड है, मैंने खुद बनाए अपने हाथ से। जी बताएं आपके यहाँ क्या? जी सूट पीसेस है, कुर्ती है, हिजाब्स है। जी बताएं आपके यहाँ क्या क्या है? अरशद रेजिडेंट का अरशद कलेक्शन है। कलेक्शन का नाम क्या है? अरशद कलेक्शन। अच्छा, कम प्राइस से और लास्ट प्राइस कितने हैं? 600 से शुरू, 600 से पूरा 2000 तक का है। मेरा नाम मोहम्मद राहिल है। मेरा फैशन पैराडाइज नाम से मैं जाना जाता हूँ। ये सूट्स है मेरे 650,000 रुपीस में। सब तरीका दिखलाया गया सूट? पहली बार? नहीं नहीं नहीं, हम हमेशा लगाते हैं। अब तक कितने बार? 6-7 बार लगा चुके हैं। कैसा लग रहा आज? बहुत ही अच्छा है, क्राउड भी। और ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं एज ताजरा की एडमिन। आज के इस प्रोग्राम में आकर कैसा महसूस हो रहा है? हमें जो हमेशा खुशी होती है, माशाल्लाह इतने एग्जीबिशन हो रहे हैं लेकिन हर एग्जीबिशन एक बराबर है। मुझे नहीं लगता कोई कम है या कोई ज़्यादा है, क्योंकि इतनी लेडीज़ की पार्टिसिपेशन होती है, खास करके यंग गर्ल्स को देखने से मुझे लगता है कि भाई कुछ हो रहा है। कम से कम सब घर में आइडियल नहीं बैठे हुए हैं, सब टीवी नहीं देख रहे हैं, सब सिर्फ खाना नहीं पका रहे, बहुत कुछ कर रहे हैं, आगे निकल रहे हैं और बाहर भी आ रहे हैं। खवातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैंने हमेशा से यही कहा है कि भाई ज़िंदगी में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप काम करती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि घरदारी नहीं करनी है। घरदारी, घर वालों को देखते हुए जो आप काम करते हो उसमें आपकी ज़्यादा बेहतरी है। अच्छा, आज जो ये प्रोग्राम किया गया है, प्रोग्राम का मकसद क्या है, उसके ताल्लुक से आप हमारे व्यूअर्स को? मेन मकसद तो यही होता है कि भाई जो औरतें घरों में कर, जिनके पास दुकान नहीं है, जिनके पास शोरूम्स नहीं है, जिनके पास प्रॉपर कोई शॉप नहीं है, उनको यहाँ पे एक मौका मिलता है कि वो आके अपनी एक तिजारत यहाँ पे कर सकें, कि वो बिज़नेस भी करती हैं, पब्लिसिटी भी उनकी होती है, प्लस जो है उनको और लोगों से यहाँ पे इंटरेक्शन भी होता है और एक दूसरे को देख के एक तरह से इंस्पिरेशन भी मिलती है इन लोगों को कि भाई मैं भी और कुछ कर सकती हूँ ज़िंदगी में। मेरा नाम निशा आफरीन है, पर जिसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो ज़ोरा कलेक्शन की है। और हमारे यहाँ लॉन कॉटन्स है और फिर लाइक स्टार्टिंग 500 टू 15,000 तक है और भी बहुत सारे कलेक्शंस है ऑनलाइन। ऑनलाइन शामिल हुई है इससे पहले? नहीं, इससे पहले भी कर नहीं, ये एग्जीबिशन फर्स्ट टाइम है, पर ऑनलाइन हमारा 1 साल हो चुका है। कुलसुम सलाम। नाम क्या है? मेरे शॉप का नाम है फैशन स्टूडियो 9। कितने सालों से? ये मैं 3 साल से कर रही हूँ। तो ये मेरा हिजाब एंड सूट का कलेक्शन है।
एंड हम अपने मॉडर्स्ट वेयर में हम लोग लॉन्च करने वाले हैं इन फ्यूचर. तो अभी फ़िलहाल ये हिजाब से दिस इज़ ऑल लाइक 149 से लेके 349. एंड हमारा जो हिजाब होता है वो रीज़नेबल प्राइस में बेस्ट क्वालिटी, ये हमारा एम होता है कि हम रीज़नेबल प्राइस में बेस्ट क्वालिटी दें अपने क्लाइंट्स को. सो आपको हमारे हिजाब में ऑलमोस्ट फिक्स प्राइस होगा हमारा एंड रेट्स एकदम नॉमिनल होगा.